नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन। ये दोस्तों दो रिक्रूटमेंट है, दोनों की इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे आपको जो है वो आवेदन करना है, और वैसे भी आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों रिक्रूटमेंट जो है वॉक इन इंटरव्यू की रिक्रूटमेंट है, और इसमें जो है वो किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसी दिन होगा जिस दिन वो जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अच्छी खासी सैलरी भी इसमें आपको मिल जाएगी। तो दोनों जॉब्स के बारे में हम लोग जो है वो एक एक करके बात करेंगे। फ्रेशर्स भी आवेदन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से, जिसमें कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट जेआरएफ की रिक्रूटमेंट है, यानी कि इनके लिए ही जो है आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट दो के लिए अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री करी हुई है 55% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। 13/11/2019 को इंटरव्यू होने वाली है। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको सैलरी मिल जाएगी 25,000 के करीब। बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। प्रोजेक्ट जेआरएफ के लिए एमएससी केमिस्ट्री, साथ में जो है वो एनईटी क्वालिफाइड मांगा गया है। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट, उसी दिन इंटरव्यू होगा। 31,000 जो है वो आपको सैलरी मिल जाएगी, यानी कि 31,000 के आसपास आपको सैलरी इसमें मिल जाएगी। बात करें दोस्तों प्रोजेक्ट असिस्टेंट दो के लिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। बीई बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। तो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इसका इंटरव्यू 14/11/2019 को होने वाला है। 25,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो दो जॉब है इनमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट 3 और प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए यहाँ पे दोस्तों बीई बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं। और जो ये पोस्ट कोड 5 वाली जॉब है इसमें बीई बीटेक मैकेनिकल वाले, और जो जो है पोस्ट कोड 4 वाली जॉब है इसमें बीई बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आपने एमई एमटेक करी हुई है तो इसमें किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर बीई बीटेक है तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट भी 35 साल रखी गई है। इंटरव्यू आपका 14/11 को ही होगा। सैलरी इसमें 28,000 और 25,000 आपको मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बात करें एज रिलैक्सेशन की, वो एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी जैसा कि पहले मिलती है। 5 साल की वुमेन को भी जो यहाँ पे दे दी गई है। बात करें रिपोर्टिंग टाइप कब आपको जाना है, तो यहाँ पे इंटरव्यूज की डेट्स मैंने आपको बता दी है। सुबह 9 बजे से पहले वहां पे पहुंच जाइएगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी और उनकी जो है वो कॉपीज भी, और वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करी जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपको उसी दिन जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। हो सकता है उसी दिन आपका जो है वो टेस्ट भी लिया जाए, लेकिन जो है हो सकता है टेस्ट ना भी लिया जाए। तो वैसे वॉक इन ड्राइव है, आप जाके देख लीजिएगा। रिटर्न टेस्ट भी होगा तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 9 बजे सुबह आपको पहुंच जाना है। वेन्यू जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आपको जो है वो ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना आए। बाकी इसमें किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं रखी गई है। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी आपको फिल करके साथ में लेके जाना, साथ में आपके डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। तो ये दोस्तों थी एक जॉब की बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। तो नेक्स्ट जॉब दोस्तों जो है वो आ रही है NIELIT की तरफ से। इसकी जो फुल फॉर्म है वो थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूँ। मोहाली में जॉब लोकेशन रहेगी और जॉब भी आपको जो है मोहाली में मिलेगी। वॉक इन इंटरव्यू भी मोहाली में होने वाला है। कंप्यूटर ऑपरेटर की ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, लेकिन उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली है, इनको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। 10+2 मांगी गई है। साथ में 6 मंथ का कम से कम आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू पे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें ड्यूरेशन की तो 6 मंथ यहाँ पे बोला गया है, लेकिन इसको जो है वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो यहाँ पे जो है वो 10,000 के करीब सैलरी जो है वो बताई जा रही है। अलाउंस डालेंगे नहीं डालेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है अलाउंस डालें तो आपकी सैलरी अच्छी खासी इसमें हो जाए। जॉब लोकेशन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया मोहाली में रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। बाकी जो है एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिल जाएगी जैसा कि पहले मिलती आई है। रिक्रूटमेंट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि NIELIT की तरफ से आ रही है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से चंडीगढ़ की ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे दोस्तों जो है वो 25/10/2019 को इसकी नोटिफिकेशन आई थी। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब रहेगी। हो सकता है इसको बाद में कंटिन्यू करें, हो सकता है जो जितने पीरियड के लिए वो रख रहे हैं 6 मंथ या 1 साल, उसी पीरियड के बाद आपको जो है वो जॉब छोड़नी पड़े। 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस रखी गई। अगर आप अनरिजर्व से आते हैं 250 रुपये की फीस आपको पे करनी है बैंक ड्राफ्ट से या बैंक पे ऑर्डर से SC ST को, या आप जो है वो PWD या वुमेन कैंडिडेट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, 250 रुपये की फीस आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी, जो है वो रिजर्व्ड
कैंडिडेट को और साथ में वुमेन कैंडिडेट को। 2/11/2019 को दोस्तों आपको सुबह 9:30 बजे से पहले जो है वो पहुंच जाना है। ये एड्रेस बताया गया IETE बिल्डिंग प्लॉट नंबर M925 सेक्टर 30B चंडीगढ़। यहाँ पे पहुंचाना है आपको और वहीं वहीं पे जो है उसी दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसी दिन आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड करें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बात करें दोस्तों कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको साथ में लेके जाने, उसकी जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन में दी गई है। आप नोटिफिकेशन कृपया रीड करिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें कि 1 घंटे का आपको जो है वो टाइम मिलेगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, OMR शीट पे लिया जाएगा। 2/11/2019 को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये जो है वो होने वाला है। बाकी बात करें दोस्तों इंटरव्यू की, तो 7/11/2019 को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो लोग जो है वो रिटन एग्जाम में जो है वो पास हो जाएंगे, उन्हीं को जो है वो 7/11/2019 को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बस दोस्तों यही लिखा गया है दोनों जॉब्स की नोटिफिकेशन में। दोनों जॉब्स के बारे में मैंने आपको जितनी ज़रूरी जानकारी है वो दे दी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, वॉकिंग टेस्ट पे जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नाम के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई परेशानी आती है, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उनके आंसर जो है वो दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।